तो ये है कुरानिक पार्क इन दुबई। तो ये बहुत ही अच्छा विजिटिंग स्पॉट है, ये पार्क है। और ये कुरानिक पार्क इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस पार्क में आपको कुरान से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अपने ट्रैवल लिस्ट में दुबई को आपने शामिल किया है, तो दुबई में ये पार्क आप ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा ये पार्क है। तो चलो मैं आपको कुछ इसके बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ये पार्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें एंट्री करने के लिए कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। लेकिन इस पार्क में दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको पैसे देकर एंट्री करनी लगेगी, वो पार्क के अंदर है। एक चीज़ है वो ये कि केव है, तो वहाँ पर एक केव है, उसमें जाने के लिए आपको टिकट लेनी होगी। प्लस आपको मिलेगा इसमें एक और चीज़ जो कि ग्लास हाउस है। इन दोनों जगहों पर जाने के लिए आपको टिकट परचेस करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 दिरहम इनफ है। 5 दिरहम में आप दोनों जगह विजिट कर सकते हो और इन दोनों जगहों पर आपको कुरान से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो केव है इसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज दिख सकती हैं कुरान से रिलेटेड, कि कौन कौन सी स्टोरीज कौन कौन से प्रॉफिट्स के ऊपर थी। ये सारी चीज़ें आपको केव के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको लैंग्वेजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अरबिक और उर्दू और इंग्लिश। ये तीनों लैंग्वेजेस आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको कौन सी देखनी। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो ये है केव, यही है केव। तो इसमें भी एंट्री है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ से आपको एंट्री करनी होगी और उसके बाद आपको अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी और देखने में भी बहुत ही अच्छा। आपको जो स्टोरीज बताई जाएंगी वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो चलिए मैं आपको बताती चलती जाऊँगी जैसे जैसे मैं एंटर करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर आ गई हूँ मैं केव की एंट्री पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैप बना हुआ है केव को और यहाँ से हम एंट्री लेंगे तो केव में इंटर करने का ये रास्ता है और केव का मैप बना हुआ है कि किस तरीके से अंदर से ये है। तो चलिए हम एंटर करते हैं और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग तरह की है और अलग अलग प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर आपको यहाँ के स्टाफ्स मिलेंगे जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे ईयरफोन और जो भी लैंग्वेजेस, जिस लैंग्वेजेस में आपको ये स्टोरी सुननी है वो ये आपको बताएंगे और आपको गाइड करेंगे। तो ये इन्होंने मुझे भी दिया है और मैं यहाँ पर स्टोरी सुनने के लिए रेडी हूँ। देखिए, लोगों का क्राउड है यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि कोविड का टाइम है तो ये लोग काफ़ी लिमिटेड लोगों को ही एंट्री दे रहे हैं। तो चलो आगे फर्दर मैं दिखाती जाऊँगी क्या क्या स्टोरी है यहाँ पर। वॉल पर भी आपको प्रोजेक्ट होगा जो भी स्टोरी भी बताएंगे। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा यहाँ पर इन्होंने स्टोरी स्टार्ट कर दी है और देखिए आप ये प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मिरेकल स्टोरी भी यहाँ पर दिखाई जा रही है जो बहुत ही पसंद आया मुझे। इस पार्क को जरूर विजिट करना अगर आप दुबई में हो और अभी तक आपने इस पार्क को नहीं किया है। तो ये देखें, ये इस तरीके से स्टोरी चल रही है, आपको अपने अपने कानों में ईयरफोन लगा के स्टोरी सुननी है ताकि आप अपने अपने लैंग्वेजेस में इसे सुन सकें। अदरवाइज़ ये ओवरऑल भी अरबिक में ही सुनाई दे रही है।
तो देखें कि अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टोरी जो है वो प्रॉफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुनाई जा रही जाएगी, स्टोरी ऑफ द हूप। इस तरीके से मल्टीपल स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी, वो मैं आगे देखते जाएंगे आप वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फर्दर मैं ग्लास हाउस में भी जाकर आपको बताऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लास्ट स्टोरी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मून स्प्लिट की, और ये लास्ट स्टोरी है इस केव की। इसके बाद हम एग्जिट करेंगे केव से। तो चले, यहाँ पर मैं केव से बाहर निकल कर आ चुकी हूँ और ये पार्क का एरिया है, और अब हम जाएंगे जहाँ पर ग्लास हाउस है वहाँ पर। बाकी पार्क तो आप जानते ही हैं कि दुबई का पार्क है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। तो चलें अब हम चलते हैं ग्लास हाउस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंटेन वगैरह भी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसको सजा कर रखा हुआ है। बहुत ही पसंद आया मुझे, क्योंकि रात होने लगी थी तो रात में इतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन अगर आप इसको विजिट करना चाहते दिन में जाओ, बहुत ही मज़ा आएगा। और ठंडी का टाइम है तो बहुत ही अच्छा है, विंटर भी आने वाली है। आप इस टाइम पर अगर जाओगे डे टाइम में तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे कंपेरिजन टू नाइट। वैसे आप रात में मज़े कर सकते हो, नो डाउट। तो चले, यहाँ पर ये पार्क पे है और यहाँ पर साइड साइड में आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल हो रहा है, और इसी पार्क से हम जाएंगे ग्लास हाउस की तरफ। तो चलते हैं ग्लास हाउस की तरफ। Thank you.
मेंशन है प्लांट्स, वो सारी के सारी प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कॉर्नस है, ऑलिव है, फिग है, सिट्रस फ्रूट है, लेमन ग्रास है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स है। मैं एक एक करके आपको दिखाती जाऊँगी और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। पर्सनली अगर आप इसे देखेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा है लगेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये ऑलिव ट्री है, यहाँ पर ऑलिव की ट्रीज़ यहाँ पर इन्होंने ग्रो की हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो एक ही एरिया में, एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक अच्छे खासे एरिया में इन्होंने ये सारे के सारे प्लांट्स जो कि मेंशन है कुरान और हदीस और सुन्नत में हदीस में, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक जगह पर लगाई हुई है। और ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं है चीज़ करें किन किन चीज़ों का जिक्र कुरान में किया गया है। तो कुकम्बर, कुकम्बर का भी जिक्र किया गया है कुरान और हदीस के हवाले से, ये जिक्र है शायद, और मेंशन भी आपको किया हुआ मिलेगा कि हाँ किस चीज़ में ये कुरान की में मेंशन है या फिर ये सुन्नत है। तो चले यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ब्लैक हिना, तो ये भी मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा हुआ कि ये सुन्नत मेंशन किया हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ब्लैक हिना। तो चलें आगे देखती हूँ फर्दर और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, डेफिनेटली बहुत ही। ये चार्ट आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, मुझे भी नहीं पता था कि ये कौन सी चीज़ें हैं, शायद यहाँ के कुछ लोकल हो, बट जो भी है वो मेंशन है। ये देखें ये अनियन है, प्याज का भी जिक्र सुन्नत के हवाले से और कुरान के हवाले से किया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्याज का पौधा लगाया हुआ है इन लोगों ने, और ये बहुत सारी के तरीके से देखें सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इंजर आपको दिख रही हैं। प्राइस मैंने आपको बताई है कि शायद 5 दरहम है टिकट, जिसमें आप दोनों जगह विज़िट कर सकते हो, यानी तो शायद 10 दरहम है जिसमें दोनों, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ यहाँ पर, बट आप चेक कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा नहीं है। तो सस्ता है, अच्छा है, विज़िट करो, मज़े करो, बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही कुछ देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो, बच्चे के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, बाय बाय।